नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मेरा नाम है लोकेश और स्वागत है आपका हमारा एक्सरसाइज सीरीज़ के एक और नए वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं डंबल प्रेस। डंबल प्रेस के साथ मिस्टेक ये होता है कि बहुत सारे लोगों का शोल्डर ग्रोथ हो जाता है, ट्राइसेप्स का भी ग्रोथ अच्छा हो जाता है, लेकिन चेस्ट का जो डेवलपमेंट है वो वीक हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उनका फॉर्म और पोस्चर मिस्टेक हो जाता है, इस वजह से उनका चेस्ट का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। तो आज हम देखेंगे कि डंबल प्रेस करने का सही तरीका क्या होता है और जो कॉमन मिस्टेक है उसके बारे में बात करेंगे, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब भी डंबल प्रेस करो तो आपका चेस्ट का डेवलपमेंट हो, चेस्ट पे जो लोड है वो ज़्यादा है, ना कि आपके शोल्डर और ट्राइसेप्स पे। उस पर सेकेंडरी मसल है, उस पर आपका जो लोड है, प्रेशर है, वो कम आना चाहिए, लेकिन मेजरली जो टारगेट है वो चेस्ट होना चाहिए। तो बस वीडियो की शुरुआत करते हैं। डंबल प्रेस के लिए सबसे पहले सेटअप की बात करते हैं। सेटअप के लिए आपको एक फ्लैट बेंच चाहिए, उसके अलावा एक पेयर ऑफ डंबल चाहिए। तो ये आपका सेटअप हो गया। उसके बाद पोस्चर की बात करेंगे। पोस्चर जैसा अगर आपने मेरा एक्सरसाइज सीरीज देखे होंगे तो उसमें जैसे हमने शोल्डर का पोस्चर रखा है, शोल्डर आपके रिट्रैक्ट और डिप्रेस होने चाहिए, चेस्ट थोड़ा सा एलिवेट होना चाहिए, आपका कोर इंगेज होना चाहिए, हिप्स इंगेज होना चाहिए। बस ऐसे आपको पोस्चर को मेंटेन करके रखना है, उसके बाद एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। एक्सरसाइज की जो शुरुआत है, आपको डंबल्स को अपने नी पर रखना है, ताकि जब आप इसको अगर लाइट वेट है तो ठीक है, आप डायरेक्टली पुल कर सकते हो, लेकिन अगर डंबल हैवी है तो आपको थोड़ा नी से सपोर्ट लेके देन पोजीशन लेना है। अब उसके बाद बेंच के हाइट की बात करते हैं। अगर आपका बेंच का हाइट कम है तो फुट का कांटेक्ट फ्लोर से रखना। अगर हाइट नहीं जा रहा उतना, बेंच का हाइट ज़्यादा है तो आपका फुट का कांटेक्ट इससे रहेगा, जो पैड दिया है इससे। तो बस हमने डंबल्स को लिया, आपका फुट का कांटेक्ट पैड से है, शोल्डर्स ठीक है। अब इसके बाद स्लोली डंबल को नीचे की तरफ लेके आना है। अब इसमें कॉमन मिस्टेक क्या होती है, जब आप डंबल्स को नीचे लाते हो तो आपका शोल्डर का जो एंगल है, मतलब कि कॉमन मिस्टेक आप हर जिम में देखोगे, जो बिगिनर्स है वो डंबल्स को ये लेके आते हैं, मतलब शोल्डर के पैरेलल। आपको शोल्डर के पैरेलल नहीं लाना है, आपका शोल्डर का जो एंगल है वो 45 डिग्री रहेगा, ये मतलब कि जब आप नीचे लाओगे तो आपका शोल्डर डायगनल जाएगा ठीक है, क्योंकि आपका चेस्ट का जो फाइबर है, चेस्ट का जो फाइबर है वो ऐसे सीधा नहीं जा रहा, वो ऐसे डायगनल जा रहा है ठीक है। तो आपका एल्बो का जो डायरेक्शन है वो भी डायगनल रहेगा, इसको एल्बो को डायगनल लाना है, देन ऊपर की तरफ पुश करना है ठीक है। अब ऊपर पुश करने पर आपको क्या इमेजिन करना है कि आपके जो दोनों बाइसेप्स है ये, तो ये दोनों बाइसेप्स को क्लोज लेके आना है ठीक है। तो और दूसरा अल्फ़ाबेट ए याद रखना आपको। तो डंबल को स्लोली नीचे लेके गए, आपका शोल्डर जो है वो डायगनल जाएगा, मतलब थोड़ा नीचे की तरफ। इसके बाद और डंबल को नीचे कितना लाना है, अब जो मार्बल बेंच प्रेस है उसमें क्या होता है, उसमें आपका मार्बल यहीं तक आता है, इसमें रेंज नहीं मिलता आपको, लेकिन डंबल्स के साथ क्या होता है, डंबल रेंज ऑफ मोशन के लिए जाना जाता है। तो इसमें आप फुल रेंज लेके अपने चेस्ट को पूरा स्ट्रेच करना है, उसके बाद पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है। आपको याद रखना है अल्फ़ाबेट ए, मतलब कि जब डंबल नीचे जाएगा तो वाइट, ऊपर जब जाएगा तो हाथ को अपने स्ट्रेट करना है, ये अल्फ़ाबेट ए बन रहा है, तो आपको अल्फ़ाबेट ए बनाना है ठीक है। उसके बाद आते हैं ब्रीदिंग। जब अपने अगेन हर एक्सरसाइज के समय जो आप नीचे की तरफ ला रहे हो इसेंट्रिक फेस, वो आपको ब्रीदिंग करके रखना है, और जैसे आप पुश कर रहे हो देन आपको ब्रीद आउट करना है। ये था आपका डंबल प्रेस। इसमें कॉमन मिस्टेक की बात करते हैं। कॉमन मिस्टेक जैसे आपका शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट इन्वॉल्व होता है, तो ज़्यादातर इसी एंगल पे मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा है। मतलब जब शोल्डर ला रहे हो तो शोल्डर जैसे मैं बताया डायगनल लेके आना है, और उसके बाद क्या होता है डंबल्स, मतलब एल्बो का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, जब आप नीचे ला रहे हो तो ये 90 डिग्री रहेगा, मतलब कि ये डंबल क्लोज नहीं लाना पड़ेगा, डंबल आपका वाइड रहेगा। नीचे की तरफ ला रहे हो तो ये आ गया आपका एल्बो 90 डिग्री ठीक है, शोल्डर 90 नहीं है, शोल्डर 45 है, एल्बो 90 है। एल्बो का 45 मतलब एल्बो क्लोज रहेगा। अब अगर आप एल्बो को क्लोज ला के देन पुश करते हो, प्रेशर है वो चेस्ट पे ना आके फोर आर्म्स पे ज़्यादा आएगा, इसलिए डंबल्स को थोड़ा वाइड रखना है, देन इसको पुश करना है। और उसके बाद कॉमन मिस्टेक क्या होती है, जब आप पुश करते हो तो डंबल को ऊपर ये टच करते हो, तो डंबल को टच नहीं करना है, जहाँ आपका आर्म स्ट्रेट हो गया ये, तो बस आपका एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। और लास्ट मिस्टेक है शोल्डर्स को राउंड करने के, जब आप डंबल को नीचे ला रहे हो ओके, तो जब आप पुश कर रहे हो तो पुश करने के बाद आपका शोल्डर जो है, शोल्डर्स को ध्यान से देखिए, शोल्डर्स आपका ऐसे उड़ जाता है, नीचे लाएँ ये शोल्डर्स को आपने उठा दिया, तो वो नहीं करना है, उससे आपके चेस्ट पर प्रेशर कम आएगा, चेस्ट का ग्रोथ रुक जाएगा। तो शोल्डर्स को रिट्रैक्ट कर लिए, स्लोली नीचे के लेके आए और देन पुश करें,
तो आपका शोल्डर स्वाइप पे रहेगा। फिर दो तीन चीज़ें आपको याद रखना है, दो तीन कॉमन मिस्टेक जो है, शोल्डर का जो एंगल है वो 45 होना चाहिए, एल्बो का एंगल 90 होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपका चेस्ट का मसल ज़्यादा ग्रोथ होगा, बेटर तरीके से डेवलप होगा, ना कि आपका ट्राइसेप्स या शोल्डर। और शोल्डर्स को हमेशा रिट्रैक्ट और डिप्रेस करके हर एक्सरसाइज में मैं परफॉर्म करके देता हूँ, आपको भी सेम वैसे ही परफॉर्म करना है। जैसा आपने देखा वीडियो में, सेम वैसे ही आपको एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। तो उससे क्या होगा, उससे आपका शोल्डर पे लोड कम आएगा, चेस्ट पे ज़्यादा आएगा और आप इंजरी से बचे रहोगे। तो इसके अलावा मैंने और भी जो कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है, जैसे बेंच प्रेस हो गया, मार्बल ओवरहेड प्रेस हो गया, डेडलिफ्ट हो गया, इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।